बहुत खुशी की बात है। आज आपका नामांकन हो चुका है, जनता आपके समर्थन में भारी समर्थन दिखाई है, और आपके माध्यम से क्या विकास होना चाहिए जनता का? मेरे माध्यम से तो बहुत से विकास हैं, अभी कम छोटा अभी समय कम है कि मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, पर जितना भी विकास करेंगे पर हम बदलाव बहुत लाएंगे। चलिए, नहीं खराब करते हैं तो हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? क्या कहेंगे? खुशी की बात है, आपका नामांकन हो चुका है, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के माध्यम से सोनी देव को यही सूचना देना चाहता हूँ, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो नाला नाली जाम हो रहा है, पानी देखिए, और आपसे बारे में क्या कहिएगा, जितने भी लोग घोड़ा गाड़ी और हुजूम को लेकर जा रहे हैं उसको पहचानिए, और एक जो पैदल धारी है पद से चलकर आज विकास करने के लिए चला है, वो चेयरमैन के चुनाव पर आप आशीर्वाद दीजिए, और जनता जनार्दन के पैरों के दूरी हम दोनों पति पत्नी के सर पर लेकर चला है। राष्ट्रपति देवेंद्र गुप्ता जी शिवान के आवाम के लिए अभी अभी अपने नामांकन दर्ज करके लौटी है, चेयरमैन पद के लिए यानी सभापति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग, और समाज में बदलाव होना चाहिए, जिस तरह से ये लोगों के लिए हुमर मिला हुआ है, जनसलाब आ रहा है। तो देखिए, सोनी देवी अर्चना गुप्ता जी नामांकन करके लौट रही है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है युवाओं का, महिलाओं का, ये बड़ी बात है। क्या सर कहेंगे? सिवान की आवाम आपको देख रही है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है? विकास होगा, होगा और विकास के अलग हट के विकास होगा। हाँ, विकास जो भी होगा अलग हट के विकास होगा, कोई उससे मिलता जुलता विकास नहीं होगा। लाइव कार्यक्रम चल रहा है आपका, मैडम शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरह से बेबाकी से बात कर रही हैं, आपने एक बात कहा कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं और अपने मुद्दे पे खड़ा नहीं करती हूं तो मैं रिजाइन कर दूंगी। बिल्कुल रिजाइन दे दे, आप महिला है, महिला का सम्मान करने के लिए आ रही है, उसी के लिए उठी है, जोश और एनर्जी के साथ और महिलाओं के सम्मान के साथ आप काम करिएगा, उम्मीद पूरा है सिवान की आवाम के साथ। अभी 45 वार्ड हुए हैं सिवान नगर वार्ड में, कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं? तो देखिए, सोनी देवी और साथ में पति देवेंद्र गुप्ता जी जो अभी नामांकन दर्ज करके निकल चुके हैं लोग, और बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं लोग, और समाज को बदलाव देना चाहते हैं।